डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में किसी भी ट्रांजैक्शन को एंटर करने से पहले हमें उसका एक प्रूफ भी रखना होता है, जिसे हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। रीजन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस में जो बहुत सारे लेन देन होते हैं, परचेज, सेल, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, आप एक्सपेंसेस, रिसीप्ट्स, तो इन सब के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हो, एक प्रूफ होता है। उस प्रूफ को ही हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल या सोर्स डॉक्यूमेंट। तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, मीनिंग में आ सकता है दीज डॉक्यूमेंट्स आर द फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट द डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। व्यापारिक लेन देन की डिटेल ये बताता है। सच डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट द डेट, द अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व एंड नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या बताते हैं, उस पर हमें ट्रांजेक्शन की डेट होती है, अमाउंट, पार्टीज, पार्टीज यानी कि जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की सेल हो रही है, परचेज हो रही है, हम कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट शुड बी हैव एडुकेट प्रूफ टू सपोर्ट इट। तो एडुकेट प्रूफ होता है ये आप नेचर में भी समझ सकते हो उसके अकॉर्डिंग। दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिटन एंड अथेंटिक प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन का ये अथेंटिक प्रूफ भी माना जाता है, अथेंटिक यानी कि विश्वसनीय। दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर ऑडिट एंड टैक्स असेसमेंट। ऑडिट होता है अकाउंट्स को चेक कराना, ऑडिटिंग के लिए या टैक्स की कैलकुलेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। दे ऑल्सो सर्व एज अ लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो उसमें एविडेंस के रूप में भी ये काम आ सकता है। द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट। मेनली जो सोर्स डॉक्यूमेंट है कौन कौन से हमारे पास, फर्स्ट है कैश मेमो। व्हेन ए ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश ही गिव्स द कैश मेमो। जब एक व्यापारी सामान को बेचता है, नगद बेचता है, तो वो कैश मेमो देता है, और जो उसको खरीद रहा है वो कैश मेमो प्राप्त करता है। तो कैश मेमो किस लिए यूज होता है, फॉर कैश परचेज एंड सेल, या आप याद रखना फॉर कैश सेल्स एंड कैश परचेज। डिटेल्स रिगार्डिंग द आइटम क्वांटिटी, इसमें क्या क्या आइटम्स होती हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। क्वांटिटी, रेट एंड टोटल प्राइस इज मेंशन इन द कैश मेमो। कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैश मेमोज। स्पेसिमेन ऑफ ए कैश मेमो इज गिवन। जो आपको कैश मेमो का स्पेसिमेन है वो मैं आपको दिखा, ये देखिए। तो यहाँ पहले लिखा होता है अपने पास कैश मेमो, ग्लोबल वॉच कंपनी, जिस जो कंपनी सेल कर रही है। फिर यहाँ पे कस्टमर का नाम, वाउचर का नंबर यानी कि कैश मेमो का नंबर, टू और डेट, जो भी आपकी डेट है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। इसके बाद उसके नीचे ये मेंशन होता है, क्योंकि जब हम सामान उधार बेचते या खरीदते हैं तब हमेशा वो सामान कभी भी वापस नहीं होता। और यहाँ पे क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट एंड अमाउंट। तो कैश मेमो आपने सिर्फ ये याद रखना है, कैश मेमो नगद खरीद या सेल बेचने के समय यूज होता है। इसके बाद आता है इनवॉइस या बिल। जब हम सामान को उधार बेचते हैं या उधार खरीदते हैं तो सेल्स इनवॉइस विच कंटेन द नेम ऑफ द पार्टी टू होम गुड्स आर सोल्ड, द रेट, क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट ऑफ सेल, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ सेल्स इनवॉइस इज सेंड टू द परचेजर एंड इट्स डुप्लीकेट कॉपी इज कैप्ट फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब हम सामान को उधार बेचते हैं तो ओरिजिनल कॉपी तो हम बिल काट के उसके पास भेज देते हैं, जिसको आप इनवॉइस कहते हो, इनवॉइस एंड बिल, और उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपने देखा होगा कार्बन पेपर लगा के वो तैयार करते हैं, वो हमारे पास रह जाती है। तो हम जब क्रेडिट खरीद, जब हमने सामान को बेचा या खरीदा उधार, तब इनवॉइस या बिल का यूज होता है। व्हेन ए ट्रेडर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट,
तो उसको मिलता तो क्रेडिट बिल है फ्रॉम द सप्लायर ऑफ गुड्स. वी मेक एन इनवॉइस ऑन क्रेडिट सेल बट रिसीव ए बिल ऑन क्रेडिट परचेज. तो क्रेडिट सेल के टाइम तो इनवॉइस होता है और क्रेडिट परचेज के टाइम उसी को हम बिल कहते हैं. थ्रो द टू टर्म्स आर यूज्ड सिनोनिमली एंड मीन द सेम थिंग स्पेसिमेन ऑफ इनवॉइस और ए बिल. यही खरीदने वाले के लिए बिल है, बेचने वाले के लिए इनवॉइस है. इस पे भी बेचने वाले का नाम, एड्रेस, नंबर, नेम, खरीदने वाले का नेम ऑफ कस्टमर, इसके बाद टर्म्स, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन है, डेट, अमाउंट, ये इस तरह से तैयार होता है. नेक्स्ट है रिसीव्ड. व्हेन ए ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर, जब हमने सामान उधार बेच दिया था तो बिल या इनवॉइस से ट्रांजैक्शन हुई थी, लेकिन जब उसी उधार सामान को बेचे हुए हमें कैश रिसीव होता है तो हम उसे क्या देते हैं, रिसीप्ट. ही इश्यू ए रिसीप्ट कंटेनिंग द डेट, अमाउंट एंड नेम ऑफ कस्टमर. द ओरिजिनल कॉपी ऑफ रिसीप्ट इज गिवन टू कस्टमर. तो जो व्यक्ति आपको पैसे देके जा रहा है आप उसको रिसीप्ट दे दोगे, और अगर आपको कोई पैसे देके जा रहा है तो आप रिसीप्ट उसे दोगे, आपके पास कॉपी रह जाएगी. इसके बाद आता है डेबिट नोट. व्हेन ही रिटर्न गुड्स टू ए सप्लायर, जब उधार बेचा गया सामान वापस आता है, वी प्रिपेयर ए डेबिट नोट एंड सेंड इट टू द सप्लायर. जब हम सामान को वापस भेज रहे हैं तो हम सप्लायर के पास डेबिट नोट भेजते हैं. डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट दैट सप्लायर्स अकाउंट बींग डेबिटेड. हम उसे बता देते हैं कि हम आपका सामान वापस भेज रहे हैं इसीलिए हम आपके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं. इसका इस तरह से फॉर्मेट होता है. सबसे पहले ये कंपनी का नाम या फर्म का नाम जिसके पास हम भेज रहे हैं, एड्रेस. इसके बाद आप देखोगे टू नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन टू होम इट इज सेंड. ये लिखने वाले का है, ये जिसके पास हम भेज रहे हैं. वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट, हम उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम आपका अकाउंट डेबिट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? टॉर्चेज आर बैडली डैमेज्ड, क्योंकि उसमें से जो सामान खराब था, कोई भी रीजन दे सकते हो आप इतने का अमाउंट. तो हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि हम आपके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं. इसी तरह से अगर हम बेचा हुआ सामान वापस प्राप्त करते हैं, परचेज रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न के टाइम डेबिट नोट और परचेज रिटर्न के टाइम क्रेडिट नोट, बस आपने इतना ही ध्यान रखना है. फिर है पे इन स्लिप, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो जो फॉर्म भरते हैं उसे हम कहते हैं पे इन स्लिप. चेक का फॉर्मेट मैं आपको पहले भी कराई चुकी हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तो अलग था, लेकिन चेक जो बैंक से हमें मिलता है उसकी फॉर्मेट भी हम आपको दिखा देते हैं. जब हमारे बैंक में पैसे जमा है और हम किसी व्यक्ति को पेमेंट करनी है तो इस तरह हमें चेक की कॉपी मिलती है जिसे हम फिल करके अपने सप्लायर को दे सकते हैं. यहाँ पे डेट, अमाउंट, किस व्यक्ति को देना है और सिग्नेचर, ये सब चीज़ इसमें लिखी होती है. तो ये मेन मेन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे. इसके बाद आते हैं वाउचर, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं.